पानी भी तुम कैमरे के अंदर के होंगे। मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। और इस टाइम बज रहे हैं 10:30। हालांकि नहा चुकी हूँ, बहुत लेट सोकर उठी थी क्योंकि 9 बजे तो सोके ही उठी थी क्योंकि रात फीवर बहुत तेज़ था, तो थोड़ी सी डोज हैवी ली थी मैंने। और अभी बस नहा चुकी हूँ और अब जो है हनी को भी ब्रेकफास्ट दे चुकी हूँ और बस अब इनके लिए जो हूँ गर्म गर्म दूध रेडी कर रही हूँ क्योंकि इनकी भी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, अभी भी वीकनेस रहती है। तो फिलहाल चलते हैं किचन की तरफ। तो गाइस अभी तो हनी जो है अपना दूध पी रहे हैं। आज मॉर्निंग गाइस कुछ नहीं करोगे एंड वो जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो अभी तो हम लोग ब्रेकफास्ट मैंने नहीं करा, सिर्फ इन लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है। मैंने अभी एक्चुअली कुछ भी नहीं करा, दिया वगैरह कुछ नहीं जलाया, तो अभी तो मैं बस दिया वगैरह जलाऊंगी, फिर उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट लूंगी और फिर थोड़ी देर रेस्ट करूंगी क्योंकि तबीयत गिर रही है बिल्कुल। क्या आँखी क्या बंद हो जाती है तुम्हारा दूध पीते पीते? मैंने बोलू हम तो आगे चलते पीते हैं। Hey guys, तो अभी बज रहे हैं 2:30। हमने और गोलू ने लंच पहले ही कर लिया आज क्योंकि अभी भूख लग रही थी, बहुत टेस्टी था और था राजमा चावल और रोटी मिला के। हाँ, और मैंने इसलिए मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही थी तो मैंने लंच पहले कर लिया। मम्मी और हनी अभी खाना खा रहे हैं, ये देखो ये लोग लंच कर रहे हैं। पापा ने ऑलरेडी पूरा कर लिया, पापा की स्पीड सुपर फास्ट है। तो अभी हम लोग फिलहाल रेस्ट पर हैं। लंबोगनी की तरह फास्ट है। देखो ये आम लेकर आए, आम आम खा रहे हो, आम आप भी खाएगा चिप्पल चिप्पल जो बनाते तो गाइस देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम लोग खाना खा रहे हैं और आप लोग ना देखो, तो आज भी देखो। सो गाइस अब फाइनली हमने आम खा लिए, पाँच छह आम खाए नहीं है, टू से हैं लोगों ने। और पाँच छह आम तुमने खाए हैं अभी, जिनकी स्कूल में भुला दी क्या, एक गधे वाले स्कूल में पढ़ा है। पाँच छह तीन आम खाए, एक आम मैंने पहले खाया था, दो तीन पहले खाए थे मम्मी साथ। नहीं, मम्मी ने नहीं खाए हैं। मैं अपना बहुत हल्का, इसी वजह से मैं हल्का खा रही हूँ, अगर मैंने ज्यादा भारी खाया ना बुखार आ जाएगा मेरे। पहले कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें कितने आम खाने चाहिए। तो गाइस आज जो है हमारा टॉम बहुत बीमार था, अजीब टाइप का हो रहा है, सुस्तीला ऐसा लग रहा है, मैंने छेड़ा तो ततैया मुझे काट डालेगी। क्या हुआ, क्यों मुंह सजा रखा है? कभी तुम हंसते ही ना हो, जब देखो अपने मुंह सजाए रहते हैं, गुस्सा आती है बहुत। मुंह सजा के मत आएगा घर में, सीधी बात है। महाराज
वो भी पटरे लाए। मुना पिटेगा? मैं मुझे को पिटो तो ये पूल पे। स्विमिंग पूल नहीं चल रहा है? चलो ऐसा नहीं लगा जब से हमने स्विमिंग पूल का फैमिली प्रोग्राम बनाया तब से संतोष ने स्विमिंग पूल के प्रोग्राम बनाए हैं। वैसे ही लग रहा है ना, मैं और मम्मी अभी ये डिस्कस कर रहे हैं। और भैया पूर्व अग्रवाल तुम भी आओ, तुम्हारी भी कमी आओ। मैं देखो मैं तो इतना थक रही थी ना, मुझसे काम नहीं हो रहा था। आज रात का रूम तुम समेट दोगे सारा? समेट देना पर। गाइस एक बात करनी थी, आप मोस्ट मतलब मेरी वीडियो पर व्यूज ठीक ठाक आते हैं, जिस हिसाब से मैं एक स्टार्टिंग कर रही हूँ उस हिसाब से व्यूज ठीक ठाक आते हैं, बट आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं? मुझे सीधे सीधे ये वाला एक क्वेश्चन का आप रिप्लाई कर दो कि शान घट जाती है या क्या बात है आप लोग? अगर आप व्यू मतलब मेरी वीडियो देखते हैं, मेरा व्लॉग देखते हैं, तो कमेंट करा करो, क्योंकि बहुत जल्दी हम कुछ इस टाइप का चैलेंज टाइप का निकालना चाहेंगे कि जो हमारी वीडियो पर कमेंट करेगा, हम इस तरीके से कुछ सोच रहे हैं अभी। तो आप लोगों से यही कहूँगी कि हमारी वीडियो पे कमेंट करो तो हमें मज़ा भी आएगा। जो हमारे बीच कमियाँ हैं या जो हम लोग नहीं दिखा पा रहे हैं या जो आपको आप लोगों को देखना है उस चीज़ को बताओ कि आपको क्या चीज़ देखनी है। आप गाइस घबराइए मत। घबराने को हम कुछ कहीं दिख नहीं। आप लोग बताओ अगर आप लोगों को कोई चैलेंज करवाना है या आपको कुछ भी हमारे से कुछ भी बात मनवानी है तो वो आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में बता, हम लोग ज़रूर पूरी करेंगे उस चीज़ को। करोगे तो बाद में तुम रायता मत करवा देना कि नहीं मैं तो नहीं करूँगा। अभी स्लीपिंग मोड ऑन हो गया है। देखो स्लीपिंग मोड वाली लाइट ऑन हो गई। देखो देखो देखो, देखो। अप्पू। तो गाइस अभी तो बज रहे हैं 3 और मैं अभी मतलब रेडी होने के लिए जा रही हूँ किटी के लिए। हालांकि किटी में मैं नहीं जाती बट मेरी फ्रेंड की किटी है तो उसके लिए उसको मैं मना नहीं कर सकती, वो भी मेरे लिए ऑल टाइम ऑल 24 आवर्स रेडी रहती हैं। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ किटी के लिए रेडी हो रही हूँ। नोटिफिकेशन पड़ रही थी, कियारा आडवाणी ने ट्वीट करा है कोई, तो जो है अभी मैं रेडी होती हूँ, उसके बाद हम लोग मिलते हैं, उसके बाद मैं दिखाती हूँ ड्रेसअप की मैं क्या पहन के जा रही हूँ। तो गाइस किटी के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो गई और ये है मेरा फाइनल लुक। तो अभी मैं दिखाती हूँ कैमरे में जाकर। तो गाइस देखो फिलहाल अभी मतलब शूज वगैरह हेयर्स वगैरह अभी कुछ नहीं करे हैं, बस मैंने एक मेकअप लिया है अभी हल्का सा और ये मेरा सब कुछ एक पर्पलिश कलर लिया था। हालांकि ये पर्पल कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बट इस टाइम इसका कलर ऐसा मतलब ऐसे ऐसे कलर आ रहे थे, जो भी टॉप देखते हो उसमें यही कलर दिखता है, तो ये लगा शायद ये ट्रेंडी कलर हो। तो फिलहाल ये मेरा आज का किटी का लुक है, इसके साथ पर्पल कलर में शूज़। अभी तो सिर्फ बाथरूम स्लीपर्स पहने हुई हूँ लेकिन ये इसी के साथ जो है पर्पल कलर में ही शूज़ पहनूंगी। साढ़े 7 और मम्मी देखो लेटी हुई है इधर, मम्मी किटी से आई थी और मम्मी को बहुत मज़ा आया। मम्मी मज़ा आया? नहीं आया मज़ा, मम्मी को नहीं आया। मुझे भी फ्री फायर भी खेलना है। तो गाइस किटी से आ चुकी हूँ और देखो थक चुकी हूँ किटी ना अभी क्या है जरा तू आ जा। तो मैं किटी से आ चुकी हूँ और इस टाइम मैं लेटी पड़ी हूँ, सुस्ता रही हूँ क्योंकि किटी में थोड़ा सा थकान हो जाती है यार, तब बोलते हैं इतना बोलते हैं वहाँ पे नॉन स्टॉप बोलते हैं हम लोग। और वहाँ पर फिर उसके बाद वहाँ से आ गई, फिर वहाँ पे हमने 2-3 रील्स भी बनाई पागल बंदी वाली। हाँ पागल बंदी वाली। फोटो खींच लो। तो गाइस बज रहे हैं इस टाइम 8, हालांकि किटी से आए हुए मुझे 1 घंटा हो गया है। अरे देख 8 बज रहे हैं और किटी से आए हुए मुझे 1 घंटा हो चुका है। और 1 घंटा हो गया? हाँ 1 घंटा हो गया, आधा घंटा 1 घंटा
एक घंटा हो चुका है मुझे किट्टी से आई हुआ और आगे बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि फीवर था मेरे को। फीवर में भी मैं किट्टी गई क्योंकि हम किट्टी के चर्सी हैं। हम किट्टी में जाएंगे, हम जरूर जाएंगे किट्टी में, चाहे बीमार हो चाहे बीमार हो, हमें जान हो जाती है किट्टी के नाम से। तो अभी तक हम कुछ नहीं, मैं अभी तक मैं लेटी हुई थी, उसके बाद थोड़ी देर बाद मिलती हूँ क्योंकि बहुत थकान हो रही है। और मैं रायता समेट रही हूँ, ये जो रायता था ये फैला रखा था मैंने, दीदी आई थी, दीदी के आने से पहले थोड़ा थोड़ा सा फैला, फिर उसके बाद गोलू बीमार पड़ा, फिर मम्मी, फिर ये, फिर मैं, तो ये रायता फैलते फैलते इतना फैल गया। और अगर स्टोर का रायता दिखाऊंगी तो बहुत ही बुरी तरीके से फैला पड़ा है इस टाइम, मतलब 15 दिन लगातार लगूंगी तब कहीं जाके स्टोर क्लीन हो पाएगा। फिलहाल तो ये जो रायता फैला रखा है इसको थोड़ा बहुत समेटूँ क्योंकि मेरे कपड़े ना स्टोर में जमीन में बिखरे पड़े थे, मैं अलमारी एक दिन लगा रही थी, सडनली ये आते हैं कहते हैं मेरे को फीवर चढ़ रहा है, तो मैं वो एज इट इज अलमारी में बंद नहीं करी थी, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ, अलमारी में बंद नहीं करी, मैं ऐसे छोड़ के आ गई। तो आज मैं थोड़ा सा सही फील कर रही थी तो मैं ये रायता लेकर आई हूँ, उसको थोड़ा सा समेट थी, तो मदद करोगे नहीं करोगे आप? अभी पानी भी तुम कैमरे के अंदर सके होंगे अभी तो बज रहे 10 और मम्मी अब खाना खा रही हैं। ये देखिए, देखिए मम्मी खाना खा रही है। अरे इतनी देर में खत्म भी हो गई? मैंने सिर्फ एक रोटी खाई, मैं चूड़ी में खा गई थी ना। अच्छा तो भूख लग रही होगी ना? बहुत देर हो गई होगी, 4 बजे खाया होगा, 4 या 6 बजे 6 बजे। हाँ, तो तंदूरी रोटी, तो भूख तो लगी रही होगी, खा रही क्योंकि दवाई खानी है ना, और दूध भी तो पीना है अभी। मेरा भी दूध है। गाइस अभी तो हो रहा 10:30 और मैं भी बहुत थक गया हूँ, और अब इस ब्लॉग को मैं एंड करने जा रहा हूँ। टिल देन टेक केयर, 2 more likes 2 more comments, चैनल मेरे सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।